नमस्कार, मैं हूं करण और आज का वीडियो फिर से देवबंद से। ये देखिए सामने जो नया बूम इरेक्ट किया गया था उस पर कैंटिलीवर की असेंबली ठीक से कर दी गई है, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको। और फिर शाम को ये काम को बीच में छोड़कर चले गए थे और बाकी बचा हुआ काम ये आज निपटा रहे हैं। और देखिए उससे अगली वाली मार्च पर कैंटिलीवर की असेंबली चल रही है और ये टावर वैगन के जस्ट आगे हाइड्रोलिक क्रेन लगी हुई है। और मैंने बताया था आपको कि जो पुरानी वाईची मास्क थी जो अब यूज़लेस हो गई हैं उन्हें उखाड़ दिया जाएगा, और उन्हें उखाड़ने का काम चल भी रहा है यहाँ पर, इसीलिए हाइड्रोलिक क्रेन लगी हुई है, वो भी ट्रैक पर खड़ी है देखो। और इसने ऊपर से होल्ड कर रखा है वाईची मास्क को और पीछे उधर रस्सी से बांध भी रखा है लोगों ने, और नीचे गैस कटर से इसे काटा जा रहा है। और जो जितने भी यूज़लेस मास्क हैं उन्हें ऐसे ही उखाड़ दिया जाएगा यहाँ से। और अभी शाम का दृश्य भी दिखाऊंगा मैं जब ये लोग यहाँ से काम करके चले जाएंगे कि कैसा नज़ारा दिखता है, तो बने रहिए वीडियो में साथ साथ। और उधर पीछे देखिए, पीछे वाली मास्ट पर थोड़ा दूर को ऑटो टेंशनिंग डिवाइस फिट कर रहे हैं वे वहाँ पर। ये देखिए यह शाम का दृश्य, ये देखिए उधर बाएं तरफ सूर्य महाराज ढल रहे हैं, और ये देखिए बूम के ऊपर कैंटिलीवर की असेंबली ठीक से कर दी गई है और मास्ट जो है उखाड़ दी गई हैं। अब देखिए मैं इस तरफ आ चुका हूँ और अभी इसी बूम पर एक और कैंटिलीवर की असेंबली होगी, वो तब होगा जब डबल वाला ट्रैक डल जाएगा यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर वाईची मास्क जो थी पुराने वाली, मैंने कल दिखाया था वीडियो में आपको, वो उखाड़ दी गई हैं, ये देखिए पड़ी हुई है सामने, इन्हें पूरी तरीके से उखाड़ दिया गया यहाँ से और बिल्कुल साफ साफ हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ये डबल वाले ट्रैक के बीच में आ रही थी और इन्हें शिफ्ट करना भी था, ज़रूरी था। और यहाँ से भी देखिए यहाँ पर 145/5 वाला जो मास्क था उसे भी उखाड़ दिया गया है, वो देखिए जड़ से काटा गया उसको, और इन्हें जड़ से भी उखाड़ दिया जाएगा क्योंकि कॉन्क्रीट है अंदर, बाद में इसको कर देंगे। अभी यहाँ OHE का और काम बचा है, लेकिन वो डबल वाले ट्रैक के लिए और कुछ लूप वगैरह डाले जाएंगे तो न्यूट्रल सेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस मास्ट के आगे एक और मास्ट है, वो डबलिंग वाले ट्रैक के लिए है। ये देखिए अगर आपको याद हो तो यहाँ एक और पुरानी मास्ट थी जिसे उखाड़ दी गई है, ये जो मास्ट दिख रही है आपको बाएँ तरफ खाली खाली है वो डबलिंग वाले ट्रैक के लिए, और यहाँ पुरानी मास्ट थी वो उखाड़ दी गई है और ये दाएँ तरफ नई मास्ट लगाई गई है और इसी पर ऑटो टेंशनिंग डिवाइस लगा दिया गया है। और एक मास्ट उन्होंने यहाँ लगाई थी, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया नहीं, उसे काटना ही पड़ा। ये देखिए देवबंद की दिशा, सामने देवबंद स्टेशन है जस्ट, और ये पुरानी लूप लाइन से बाईं तरफ, और देखिए नए बूम पर कैंटिलीवर कितने अच्छे लग रहे हैं, इन्होंने वायर को होल्ड कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए ये भी नया कैंटिलीवर है बिल्कुल। और मैं मुजफ्फरनगर आने की कोशिश भी जल्दी करूँगा। और आप लोग में से कुछ लोग लगातार देवबंद रोड की लाइन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उस काम के बारे में बता दूं कि तो देवबंद से कुछ काम नहीं चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड साइड सुनने में आ रहा है कि कुछ काम चल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये वहीं जाकर पता चलेगा।